खरगोन जिले में परिवहन अधिकारी की शिकायत जिला मुख्यालय पर मिलने के बाद एसडीएम ने विभागीय दौरा कर कार्यालय का जायजा लिया था और व्यवस्थाओं को जाना है। इसके बाद गुरुवार को परिवहन अधिकारी अपने ऑफिस में दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को संभाग स्तरीय उड़नदस्ते सहित परिवहन अधिकारी ने बिना हेलमेट चालकों पर त्वरित कार्रवाई की और मीडिया द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर शासकीय विभागों में अटैच प्राइवेट वाहन पर उचित कार्यवाही की बात कही। लिहाजा इसी क्रम में परिवहन अधिकारी ने खरगोन पुलिस अधीक्षक से विभागीय तौर पर अटैच वाहनों की लिस्ट मंगी है। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि आपके माध्यम से बात संज्ञान में आई थी और लिस्ट मिलने के बाद अनुसंधान करके उचित कार्यवाही होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 35 चालान बने जिसमें करीब करीब अपन लोगों ने 15,500 रुपए चमन शुल्क वसूला है। प्राइवेट गाड़ी पे कार्रवाई करने हाँ, आपने कल ये मामला मेरे संज्ञान में लाया था। मैं इसलिए आपके पास भी गई थी, लिस्ट मांगी है मैंने अभी विभागों से, एडीएम सर से भी मिली थी इस बारे में। लिस्ट मिलते ही अपन इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मैम कार्रवाई किस प्रकार की होगी इसमें? जैसे अगर ऐसी कोई अपने को जो आपने मुझे मामला बताया था, अगर ऐसी कोई प्राइवेट पासिंग गाड़ियां हैं जिनका जो कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो इनके जो भी इन्होंने टेंडर वगैरह से किया हुआ है वो टेंडर निरस्त करते हुए आगे अपन पे कार्रवाई करेंगे। इस मार्केट में प्राइवेट पासिंग जो टूर एंड ट्रेवल्स पे चल रही है, टूर एंड ट्रेवल्स खरगोन में बहुत सारे हैं जो गाड़ियाँ प्राइवेट पासिंग जो गाड़ियाँ जो कमीशन गाड़ियाँ होती है वो सिर्फ खरीदते हैं और उसको लग्जरी गाड़ियों को मार्केट में चलाते हैं। अच्छा। परिवहन के लिए और उसके अंदर कई प्रकार के अंदर बीमे रहते हैं, नीपनेस रहते हैं, बहुत सारे ड्राइवर प्रशिक्षण भी रहते हैं और उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएँ होती है, तो उस पर भी आपकी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, आज आपने ये चीज़ भी मेरे संज्ञान में ली तो इस पर भी मैं आगे कार्रवाई करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।